हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गेमिंग वीडियोस मतलब मम्मियों का सर दर्द, पापा लोगों का भी होता है पर थोड़ा कम। मम्मियाँ तो दिन भर लाइक बेटा टीवी बंद कर दो, बेटा गेम खेलना बंद कर दो, बेटा फोन रख दो। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अगर हम पेरेंट्स एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अलर्ट करते रहें, तो हमारी ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। यही सोचकर हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो नॉलेज होती है या जो भी हमें पता लगता रहता है, वो हम आपके साथ टाइम टाइम पे शेयर करते रहते हैं। तो आज भी हम ऐसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन वाले फेज में, फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान, मेरे बेटे राघव ने गेमिंग वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। उस टाइम उसकी एज 7 साल थी। जब शुरू शुरू में वो वीडियो देखता था तो हमें लगा जैसे हर थोड़े दिन में पसंद चेंज होती है, वीडियोस चेंज होते हैं, चैनल्स चेंज होते हैं, ऐसे ये भी बदल जाएगा। पर इस बार हम गलत थे। वो वीडियोस देखता रहा, चैनल एक्सप्लोर करता गया और ऐसे करते करते वो पहुंचा टेक्नो गेमर के वीडियोस पर। अब क्योंकि राघव यूट्यूब टीवी पर देखता है तो मुझे आवाज़ आती रहती है कि वो क्या कुछ देख रहा है या सुन रहा है, और मुझे इन वीडियोस की लैंग्वेज थोड़ी रफ लगी। इसीलिए मैंने उसके साथ ये वीडियोस देखना शुरू किया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बट बच्चों का ध्यान रखने के लिए करना पड़ता है। और काफी सारे अलग अलग तरह के वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि बाकी गेमर्स तो ठीक है, बट ये जो चैनल है टेक्नो गेमर, ये बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये अब्यूज करता है, गाली देता है, और वो भी बहुत ज्यादा। हर मिनट में उसको अब्यूजिव वर्ड एक ना एक आ ही जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये चैनल ना देखने दें एक सर्टेन एज तक, जब तक कि आप चाहते हैं कि वो इस तरह की लैंग्वेज से दूर रहे। हमने सितंबर 2021 में ही ये चैनल बैन कर दिया था राघव के लिए। बाद में मुझे पता चला कि इसकी वीडियोस 3-4 साल के बच्चे भी देखते हैं। सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर, क्या सीखेंगे वो। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चा देखेगा तो, लेकिन उस पर इन सब का इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम पूरी तरह से गलत हैं। जैसा संग वैसा रंग का ये नया फॉर्म है, जैसे वीडियोस वैसा प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा ही। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अधिकतर मदर्स को नहीं पता होता कि उनका बच्चा दोस्तों के साथ खेलते टाइम किस तरह की भाषा का यूज़ करता है, क्योंकि वो दिन भर ये देखते हैं तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। तो बाकी गेमिंग चैनल्स बच्चों को देखने दें, जैसे लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, ये दोनों एक ही है, मिथ पेट हो गया, ड्रीम्स हो गया, MAKH हो गया, प्रोबोज 95 हो गया, गेमिंग विद शिवांग, ये आप बच्चों को देखने दे सकते हैं, बट टेक्नो गेमर बिल्कुल नहीं। बट अगेन, एकदम से मना नहीं करना है। ग्रेजुअली बच्चों से बात करें, उनसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछें कि आपको क्या लगता है 13 to 15 एज तक आपके लिए कौन से वीडियो सही हैं, आपके ब्रेन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए सही हैं। पहले उन्हें मेंटली कन्विंस होने दें, फिर आगे की कार्यवाही करें। आराम आराम से करेंगे, बच्चों को प्रॉपर टाइम देंगे, उनसे बात करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो इजीली हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और आप भी मुझे बताना अगर कोई ऐसा चैनल है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए तो। अच्छा है अलर्ट रहें, अलर्ट करते रहें, ताकि हम बच्चों के लिए, बच्चों के साथ सही डिसीजन ले पाएं। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आगे ऐसी बहुत सारी आई ओपनर चीज़ें लाने वाले हैं चैनल पे, जो कि हमें पता होनी चाहिए, हर पेरेंट को पता होनी चाहिए, तो वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे आई थिंक। इसलिए बेल आइकन भी हिट कर देना। अभी हम थोड़ा इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि अगर अच्छे गेमिंग वीडियोस बच्चे देखते हैं तो क्या उसका भी कोई नुकसान होता है, या हम फ्री होकर उन्हें देखने दे सकते हैं स्क्रीन टाइम की लिमिट में ही। तो जैसे ही मुझे इनफ जानकारी मिलती है, वो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर जरूर करेंगे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।